नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बाल ठाकरे की वसीयत पर विवाद, जयदेव बोले मेरा बेटा नहीं है ऐश्वर्य। बाल ठाकरे की वसीयत को लेकर छिड़ी जंग उस समय और बढ़ गई जब उनके बेटे जयदेव ठाकरे ने मुंबई उच्च न्यायालय में दावा किया कि उनकी पूर्व पत्नी स्मिता का बेटा ऐश्वर्य ठाकरे उनकी संतान नहीं है। बाल ठाकरे से अलग रहने वाले बेटे जयदेव से फिलहाल उनके भाई उद्धव ठाकरे के वकील द्वारा जिरह की जा रही है। जयदेव ने बाल ठाकरे की वसीयत को चुनौती दी है जिसमें उन्हें संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। ऐश्वर्या का नाम वसीयत में शामिल है और उन्हें संपत्ति का हिस्सा मिला है। जयदेव ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद वो जब भी जाते थे तो मातोश्री की दूसरी मंजिल पर रुकते थे क्योंकि पहली मंजिल पर कोई अज्ञात व्यक्ति रहता था। जब मैंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा ऐश्वर्य नाम का कोई व्यक्ति वहां रहता है। मायावती पर टिप्पणी करने वाले दयाशंकर को भाजपा ने निकाला। भाजपा ने बसपा अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बुधवार रात अपनी उत्तर प्रदेश शाखा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इससे कुछ घंटे पहले उन्होंने सिंह को सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की घोषणा की थी। भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नियमों के तहत सिंह 6 साल तक पार्टी से बाहर रहेंगे। इस अभद्र टिप्पणी के बाद मायावती राज्यसभा में खूब गुस्सा हुई थी। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। इस बीच बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी दयाशंकर सिंह के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा कायम कर चुकी है। नूडल्स में मिलाया जा सकेगा अंडे का पाउडर। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने तत्काल बनने वाले नूडल्स के लिए मानकों हेतु मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही FSSAI ने इनमें अंडे के पाउडर का मिश्रण करने का प्रस्ताव किया है। FSSAI ने इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की है। तुरंत पकने वाले नूडल्स उत्पादों के नियमन में ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उधर आवश्यकता हो तो इसमें स्टार्च, सूखे मेवे, खाद्य प्रोटीन और अंडा पाउडर मिलाया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया कि इंस्टेंट नूडल से आशय गेहूं के आटे के साथ चावल का आटा मिलाकर या चावल के आटे से बनी सेवइयों से है। नूडल्स किसी अन्य अनाज से भी बनाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इन नूडल्स की गुणवत्ता को लेकर पिछले साल बड़ा विवाद हुआ था।